हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून, हैप्पी दशहरा। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग आए हुए हैं शॉपिंग करने, क्योंकि इनकी छुट्टी थी और मैंने काफ़ी इनको टाइम नहीं मिलने वाला है। सो मैंने कानपुर की शॉपिंग बहुत कम की है। सो मेरा मन था कानपुर की शॉपिंग करने का और दशहरा मेला देखने का कि दशहरे में यहाँ क्या होता है, क्योंकि हमारे बांदा में दशहरा 6 से 7 दिन का होता है। कभी आपके साथ शेयर करूँगी, जो बांदा वाले हैं वो समझ गए होंगे कि बांदा के दशहरा बहुत स्पेशल होता है। वहाँ पर दशहरा सबसे हटके होता मुझे लगता है, क्योंकि मैंने रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, जितना मुझे नॉलेज है कहीं पर ऐसा दशहरा नहीं होता है जैसे हमारे बांदा में होता है। सो यहाँ पर मैं मार्ट आई हुई हूँ, वी मार्ट, और यहाँ पर देख रही हूँ कि क्या है विंटर के लिए। और अंज सगुर बहुत मस्ती कर रहे हैं, ये लोग होते हैं ना, मेरा माइंड बहुत अच्छा होता है। सगुन, अंश, क्या ले रहे हो? कहते हैं ना, दोस्ती की कोई एज नहीं होती, उम्र नहीं होती है। तो मेरे ये दोस्त हैं और दोनों, एक नंद है एक देवर है, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मैंने सूट के ऊपर ही डाला हुआ है। अंश से पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है, तो अंश बोल रहे हैं कि भाभी आप पे अच्छा लग रहा है। सो मैंने बोला, और यहाँ पर मामा गुड्डा लग रही है यहाँ पर। हम लोग की मार्केट हो गई है, सभी सो गई हैं। पैदल इसलिए चलना पड़ रहा है क्योंकि आज दशहरा है और दशहरे में मेला हर जगह लग रहा है, रावण को जलाया जा रहा है। सो पूरी मार्केट में भीड़ है, आप देख रहे हैं, आज रस है मार्केट में, सभी जग गई हैं और चलते चलते भूख लगाई है। हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर श्री राम मिष्ठान में, और सुना है कि यहाँ के बतासे सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हुई हूँ और इनके बतासे खा के बताती हूँ यहाँ का टेस्ट कैसा है। ये लोग खा रहे हैं, वो मैं नहीं खा रही क्योंकि सब मेरे पास है। ये लोग बहुत बोल रहे हैं बहुत यम्मी है, तो मुझे भी जल्दी खाना है। मैंने खाया, बहुत टेस्टी। यदि आप लोग कानपुर में हैं तो ट्राई कर सकते। सच में कानपुर में इतनी वैरायटियाँ हैं खाने की, जितना कहें उतना कम है। कानपुर खाने में बहुत आगे है, बहुत यहाँ पर खाने की वैरायटियाँ मिल जाएंगी। और श्री राम मिष्ठान है ये, यहाँ पर मैंने बतासे, चाट, आइसक्रीम खाई है, अच्छी हैं। यहाँ रेस्टोरेंट भी है। इन दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं।
मम्मा और ये दोनों बातें कर रहे हैं, हम लोग तीनों आपस में प्लान कर रहे हैं आइसक्रीम खाने का, क्योंकि बाकी लोग आइसक्रीम खा सकते हैं, मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है ठंडी चीज़ें खाने से। सो इन लोग ने आइसक्रीम खाई है क्योंकि कोल्ड का सीज़न चल रहा है, तो इन्होंने खाया बट संभल कर ज़्यादा नहीं खाई है। और मैं सोच रही हूँ कि ये गर्म हो जाए आइसक्रीम तब मैं खाऊँ, हल्की बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और रास्ते में वहीं से हम पैक करा के लाए थे पिज्ज़ा, सो हम तीनों लोगों ने ये पिज्ज़ा खा रहे हैं क्योंकि ये पिज्ज़ा नहीं खाते हैं सभी। शॉपिंग हुई है मम्मा की, देखिए मम्मा कितनी प्यारी साड़ी है वाली, ये इनसे पूछेगा मम्मा, ये बता देंगे, इनसे पूछेगा साड़ी कौन सी है। शॉपिंग करने के बाद जब हम देखते हैं कि हमने शॉपिंग में, क्योंकि बहुत मेहनत लग जाती है कपड़े पसंद करने में, और इनको दिखा रहे हैं कि आपको कौन से पसंद आए हैं सभी कपड़े, ये मम्मा की साड़ी है जो मम्मा ने पसंद किया है, लेकिन वहाँ पर इतनी लाइट जल रही थी, लाइटिंग बहुत अच्छी थी, सो मुझे ये वाली अच्छी लगी थी मम्मा के लिए। तो आप लोग बताइए कि मम्मा की साड़ी कौन सी अच्छी है, क्योंकि मम्मा ने ग्रीन पसंद की है और मैंने ये मुझे नहीं खाना, वो देखो मेरे को वो बन जाएगी वो। अच्छे हैं और ये भी लिए थे बहुत अच्छे, अभी हम कुछ मैचिंग की चूड़ियाँ पहनेंगे ना, कंगन भी लगाएंगे बहुत सुंदर, हम चलेंगे जाना है ना किसी चूड़ी मैचिंग लगा के लाएंगे, ठीक है। ये वाले बहुत चाची ने लिए, मम्मा ने लिए, मैंने ये सारी सेम से बती जा रही है, ये दोनों चीजें तो सेम ही है, ये दोनों कंगन तो सेम है आपके और मम्मी के, हाँ वो भी सेम है। और आज पान आप सभी के लिए, क्योंकि ये हैप्पी दशहरा, लाइक पिज्जा बतासे आज हम लोगों ने पिज्जा खाया, आइसक्रीम खाई, बताशे खाए, तो हम क्या खाएंगे, वो आइसक्रीम ही थी, कहाँ गई, नहीं पिज्जा नहीं है भैया, आइसक्रीम कहाँ गई।